दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड कृषि सेवा के आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जो अपडेट देखने को मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात करते हैं पौड़ी में लोगों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या बताई। तो स्कूलों में काफी ज्यादा शिक्षकों की कमी चली हुई है, ऐसे में लोगों ने अवगत कराया है। पौड़ी में कहा है कि एडी माध्यमिक शिक्षा गढ़वा मंडल ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जो है जनता इंटर कॉलेज जो कि परसों डाक खाल में ग्रामीणों की समस्या सुनी, और इस तरह के स्कूलों में शिक्षक पेयजल सहित जो है खेती को वन्य जीवों से जो है नुकसान आदि की शिकायत कर दी है। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की कमी यहाँ पर चली हुई है। स्कूलों में 3 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानियुक्त, तो 3 शिक्षकों की रिपोर्ट आ चुकी है और इनको अनिवार्य शिक्षक को सेवानियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग में बताया गया गढ़वाल मंडल से 3 जो LT शिक्षक हैं उनको जो है अनिवार्य सेवानियुक्त दी जाएगी, और स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है इन शिक्षकों को यहाँ पर जो है नोटिस किया जा रहा है। और इन पे जो है 2 पौड़ी के हैं और 1 यहाँ पर LT शिक्षक हरिद्वार के में शामिल बताया गया है, और काफी लंबे समय से यहाँ पर नहीं आ रहे थे। इनकी रिपोर्ट के बाद जो है से लगभग जो है हल्द्वानी का बात है, जिसमें यहाँ पर राष्ट्रीय गान के दौरान जो है वहाँ पर एक कक्षा 3 की 2 छात्रों के आपस में जो है बात करने पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया के यहाँ प्रधानाध्यापक ने दोनों छात्रों की सट आपस में टकरा दिए, और एक छात्र के माथे पर जो है गहरी चोट आई, और छात्र के पिता ने जो है उप शिक्षा अधिकारी से जो है शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो यहाँ पर देखते इस तरह का मामला चला हुआ है। से जो है यहाँ पर छात्रों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित करने पर जो है रोक लगा दी है, और शीर्ष अदालत ने जो है राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र में भी यहाँ पर अपील को जो है यहाँ पर लागू नहीं करने के निर्देश दिया है। और विश्वविद्यालय की जो है यहाँ पर हीला हवाली से यहाँ पर तय समय पर नहीं हो पाए छात्र संघ चुनाव, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के हीला ढीले के चक्कर में छात्र संघ चुनाव नहीं पाए हैं। और शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि शैक्षिक कैलेंडर जो है यहाँ पर घोषित होने करने के बावजूद जो है हुई अनदेखी, और रुड़की जो है छात्र संघ चुनाव के लिए जो यहाँ पर प्रधानाचार्य से प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मिले हैं। सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को तैयारी, तो यहाँ पर देखते तैयार करने हुए, और शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर होगी त्वरित कार्यवाही, और आयोग से भरे जाएंगे अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की खाली पद। तो यहाँ पर एल टी प्रवक्ता जो भी खाली पद होंगे आयोग के माध्यम से अशासकीय स्कूलों में भरे जाएंगे, इसके लिए जो त्वरित कार्यवाही करने की बात करी गई है। अस्थायी कर्मी एक पोर्टल से सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे, तो अस्थायी जो कर्मी होंगे वो सभी जो लाभ है एक ही पोर्टल से हम जो है लाभ लेंगे। इसके लिए 30 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का जो है सुविधा फायदा उठाने को लेकर बताया गया है, जिसमें अब 3 करोड़ तक जो है पहुंची ई श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या ऐसा बताया गया है, और हर दिन जो है अब 60 से लेकर 90 हजार श्रमिकों का जो है हो रहा है पंजीकरण ऐसा बताया गया है। और CTET 25 तक जो है अब आवेदन करेंगे, आवेदन यहाँ पर देखते हैं आवेदन फॉर्म में सुधार, तो 25 तारीख तक जो है CTET में आवेदन कर पाएंगे जो भी संशोधन करना है। इसके लिए यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 14 दिसंबर की आयोजित करने वाली जो यहाँ पर CTET परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर सोमवार से आवेदन फॉर्म में जो है सुधार करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है, और इसके तहत जो है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। तो आवेदन फॉर्म में अगर कोई सुधार करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्म करने फिल करने का समय मिलेगा 25 तारीख तक का, इसका 16-17 अक्टूबर से शुरू हो चुका बताया गया है, और यहाँ पर अगले महीने दिसंबर में जो है 14 दिसंबर की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हमें बताया गया है। पूरा यहाँ जो आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर PCS मुख्य परीक्षा 16 नवंबर से होनी है, और 122 अभ्यर्थी इन सभी के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया है कि यहाँ पर 16 नवंबर को प्रथम पाली में हिंदी है, दूसरी पाली में आपका निबंध की परीक्षा होगी, 17 नवंबर को आपका प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन फर्स्ट होगा, फिर दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन आपका सेकेंड होगा, 18 नवंबर को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन 3 होगा और दूसरी पाली में
सामान्य अध्ययन 4 होगा, 19 तारीख को आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन 5, फिर सामान्य अध्ययन 6 उस दिन दूसरी पाली में होने हैं। और प्रवेश पत्र आपको 31 अक्टूबर को जारी कर देगा और इसके लिए वेबसाइट जारी की है वहाँ से। और वहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती निकाली गई है 1088 पदों पर भर्ती, कांस्टेबल की 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, 10th 12th पास अप्लाई कर पाएंगे, वेबसाइट में जारी किया गया है। राजस्थान में 23,820 पदों की सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई, 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट में जारी किया गया है। और APSC में निकाले गए 16 असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NTRO में निकाले गए 75 साइंटिस्ट बी के पद, इसके 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए भी।